हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में इस वक्त हालत बेहद खराब हो रही है। भारी बारिश से हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। प्रकोप ऐसा है कि मानो कुदरत बेहद गुस्से में है। हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीरें मंडी जिला के नेशनल हाईवे 3 की है। इस वक्त चारों ओर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है। लोग अपने परिवार के साथ घूमने के लिए मनाली से आ जा रहे थे। अचानक हुई भारी बारिश से देर रात लैंडस्लाइड हुआ और भारी भरकम मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चारों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। जो जहां फंसा हुआ है वहीं फंसकर रह गया है। किसी को ठहरने के लिए होटल मिला तो किसी को सड़कों पर ही रहना पड़ा। पर्यटकों की माने तो उन्हें पूरी रात सड़कों पर बितानी पड़ी। किसी को खाना नहीं मिला तो किसी की फ्लाइट मिस हो रही है। वहीं पर्यटकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क को बहाल किया जाए ताकि वे अपने घरों तक सुरक्षित पहुँच सके। पंजाब तो आए हैं, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। तो कब से फंसे यहाँ पर, यहाँ जाम में? असि कल शाम से फंसे हुए हैं। तो फैमिली वगैरह साथ में है? फैमिली साथ में है। कल शाम से बहुत क्योंकि बाहर ही खड़े हैं, 250-500 बंदा होना है। ठीक है जी, बाहर ही खड़ा है। तो प्रशासन निवेदन है कि जल्दी जल्दी ये सारा सफाई की जाए, रस्ते खोले जाए, क्योंकि बंदे बहुत तंग आ, खाने की भी मुश्किल आ रही है। यहाँ गाड़ी से आए थे फैमिली के साथ और रात को बारिश वगैरह की वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हो गई और काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी लैंडस्लाइड वगैरह हो गई, पूरे रस्ते ब्लॉक हो गए। काफ़ी प्रॉब्लम एरिया में, मतलब बीच में स्टक हो गए हैं, होटल लेके वहीं पे स्टे करना पड़ रहा है एट द सेम टाइम, और जिनको होटल नहीं मिला उनको गाड़ियों के अंदर रुकना पड़ रहा है और सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं कल रात से ही फंसा हूँ, 8 बजे से ही फंसा हूँ। अकेले हैं कि फैमिली के साथ? फैमिली के साथ हूँ मैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं जल्दी रास्ता क्लियर हो। मैं हमारी फ्लाइट आज ही थी, वो भी कैंसिल करानी पड़ गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। चारों ओर भयंकर जाम लगा हुआ है। इस वक्त हजारों की संख्या में पर्यटक सड़कों पर फंसे हुए हैं। वहीं वैकल्पिक मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बंद पड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें सड़क मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। पंजाब के सीटीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।